हेलो एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आर सैटरडे स्पेशल सेशन सैटरडे स्पेशल इसलिए क्योंकि हर बार सैटरडे को होता है एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सा धमाकेदार एंड मोस्ट अवेटेड सेशन जैसे कि लास्ट टाइम लास्ट लास्ट सैटरडे हम लोगों ने लिया था आईबी का मैराथन मतलब एक बहुत ही बढ़िया सेशन जिसमें हम लोगों ने कवर किए थे आई ए सी टू में पिछले दस साल में आए गए रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस तो उसी तरीके से आज हम लोग देखेंगे कौन सी ट्रिक्स वो ट्रिक्स जो मैं आप लोगों से बहुत दिन से कह रही थी कि गाइस इस ट्रिक्स पे सेशन तो आपका जरूर होगा एंड वही ट्रिक्स हम आज देखेंगे अपने आज के सेशन में जो की है लेटर्स से रिलेटेड लेटर से रिलेटेड ट्रिक्स मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों ने कल देख अगर कल का सेशन देखा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने कल नंबर एनॉलॉगी देखी अब उस नंबर एनॉलॉगी में प्रॉब्लम क्या आई प्रॉब्लम ये आई कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि कह रहे थे कि मैम मुझे तो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद नहीं है मैम मुझे तो अल्फाबेट के ऑपोजिट याद नहीं है तो अब मैं क्या करूं वॉट शुड आई डू इन दिस केस तो मैंने कहा आपसे कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए क्योंकि आ चुका है सैटरडे

Uh, अगरवाल पायाल में जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो करंट अफेयर की क्लास के बारे में पूछ रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे ऑलरेडी एडेड हो गए अमन सर के तो वहां पे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी अबाउट हिज क्लासेस ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले तो पहले आप मुझे आप लोग मुझसे सब लोग मुझे एक बार ये चीज बता दो कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको जितने भी आप सभी लोग अभी देख रहे हो ना उनमें से बता दीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको लेटर्स की प्लेस वैल्यू में प्रॉब्लम होती है सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बता दो कितने लोग ऐसे हैं जिनको लेटर्स की प्लेस वैल्यू में प्रॉब्लम होती है मतलब बहुत क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे इवन व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन तो मुझे भी लगता था कि यार कैसे हम लोग प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं तो फिर होता नहीं धीरे धीरे करके ट्रिक्स डेवलप करी खुद से रिलेटेड खुद से खुद पे लेके ट्रिक्स डेवलप करी कि हाँ इस तरीके से कर सकते हैं एंड उन अभी तक के मेरे सारे ट्रिक्स का कंपाइलेशन है आज का हमारा सेशन तो देखिए गाइस प्लेस वैल्यू किन्हीं कहते हैं आपने जैसे देखा आपको पता है कि कितने लेटर्स होते हैं हमारी इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने लेटर्स होते हैं ए से जेड तक होते हैं ना कितने होते हैं टोटल छब्बीस लेटर्स होते हैं सभी को पता है ना छब्बीस लेटर्स होते हैं हमारी इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में तो अब आप देखो ए से शुरू होता है ए की प्लेस वैल्यू है वन जेड पे खत्म होता है जेड की प्लेस वैल्यू क्या है 26. ये तो सभी को पता है ना ये सभी को पता है दिक्कत यहां नहीं आती है जनाब दिक्कत तो वहां आती है जब आपसे पूछ लेता है कि पी की प्लेस वैल्यू क्या है और डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी मैं अपने आज के सेशन में कराऊंगी तो शुरू करते हैं तो आइए शुरू करते हैं जैसे कि आप सब लोग बोलते हैं मैम आप कैरी मिनाटी की स्टाइल में बोलते हो या फिर मैम आप टेक्निकल गुरु जी की स्टाइल में बोलते हो तो मैं बता दूं कि मैं अपनी स्टाइल में बोलती हूं तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन तो देखिए आपके पास सीरीज होती है ए से Z तक की ठीक है अब इसके बीच में आते हैं बहुत सारे अल्फाबेट्स बहुत सारे अल्फाबेट्स आते हैं 26 लेटर की सीरीज होती है ठीक है 26 का आधा क्या होता है 13 होता है 26 का आधा तो हम सीरीज को डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स में ठीक है दो पार्ट्स में हम सीरीज को हमेशा डिवाइड कर लेते हैं आप देखो आप एग्जाम देते हो कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देना जिन्होंने जस्ट अभी अभी स्टार्ट किया है या फिर जो एग्जाम काफी टाइम से दे रहे हैं काफी सारे लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप क्या देखते हो एग्जाम में हमेशा ऑप्शंस होते हैं आपके पास ठीक है ऑप्शंस या तो ए बी सी डी के फॉर्म में आएंगे आप सभी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो कोई एनटीपीसी की कर रहा है कोई आपका आईबी की कर रहा है कोई एसआई SI की कर रहा है सब लोग किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ए बी सी डी करके चार ऑप्शन गिवन होते हैं हमें पता है ना कि ए ऑप्शन सही है बी सही है डी सही है या सी सही है उसी तरीके से कभी-कभी एग्जाम -कभी में 1 2 थ्री फोर भी ऑप्शन गिवेन है या फिर रोमन नंबर वन रोमन नंबर टू रोम आप लोग अलग अलग तरीके की एस टी देते हो अलग -अलग तरीके की बुक्स में तो हमें एक चीज तो पता है कि ए बी सी डी क्या है ए बी सी डी की जो प्लेस वैल्यू है वो एक दो तीन चार है हा कि ना बताइए सभी को पता है ना एबीसीडी की प्लेस वैल्यू वन टू थ्री फोर होती है एबीसीडी की प्लेस वैल्यू वन टू थ्री फोर होती है <coughs> ठीक है अच्छा इस ये अभी आ, आ, आप लोग ना प्लीज मेरे से समझो यहाँ पे आप लोग अपने डाउट्स मेरे से मत पूछो जो मैं करा रही हूँ यहाँ पे आप समझिए ए बी सी डी की प्लेस वैल्यू आपकी वन टू थ्री फोर होती है ये चीज क्लियर है ना तो अब आप देखो ये चीज की कोई ट्रिक नहीं होती है ये एक ऐसी बेसिक चीज है जो कि बचपन से हम पढ़े आ रहे हैं बचपन में कोई आता था आपके घर आपसे पूछा जाता था जब बहुत आप छोटे थे एकदम मतलब मान लीजिए आपने जस्ट स्कूल जाना स्टार्ट किया था या फिर जाना स्टार्ट भी नहीं किया था तब भी आपसे पूछते क्या थे सब लोग कि बेटा तुम्हें एबीसीडी आती है सबसे पहले सवाल ये होता था ना कोई रिलेटिव आता था रिलेटिव आते हैं अब तो पूछते हैं बेटा रिजल्ट कैसा रहा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ तो अभी की बात अगर हटा दे पहले की बात में सब पूछते थे बेटा एबीसीडी आती है कुछ ऐसे रिलेटेड रिलेटिव्स होते थे हमारे जो पूछते थे बेटा वन टू थ्री फोर आता है है ना वन से टेन पूछते थे या तो वन टू थ्री फोर पूछते थे वन टू थ्री फोर पूछते थे ना तो आपकी ए बी सी डी की प्लेस वैल्यू क्या हो गई वन टू थ्री फोर ठीक है वन टू थ्री फोर आ गई आपकी ए बी सी डी की प्लेस वैल्यू फिर आते हैं हम लोग को जब बोलना होता है कभी भी हम बात कर रहे हैं किसी से मान लीजिए आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं आपने बोला आई वॉज टॉकिंग टू अ पर्सन आप उसका नाम नहीं लेना चाह रहे हो आप बोलते हो जेड ठीक है एक्स वाई जेड हमेशा एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं ना तो लास्ट में आपके आते हैं एक्स वाई जेड तो इनकी ट्रिक्स में बताऊंगी आपको डी की जो ट्रिक्स है ना वो सिर्फ इतनी सी है कि बचपन में आपसे पूछता जाता था कि डी या वन टू थ्री फोर आता है तो ये हो गए आपका डी की वन टू थ्री फोर अब आते हैं यही चीज मैंने यहां बताई है ये बहुत इजी टू रिमेंबर है इनकी ट्रिक्स नहीं है इनको तो याद ही है बचपन से भैया सबको बचपन से याद है कि एबीसीडी आने की वन टू थ्री फोर अब आते हैं आगे की ट्रिक्स पे तो एक ऐसी ट्रिक है जो कि आपको याद करनी पड़ेगी ठीक है कैसे ट्रिक है ये जो भी हमारा इंग्लिश एल्फोबेटिकल सीरीज है एक से छब्बीस ठीक है उसमें पांच के कौन कौन से फैक्टर्स हैं पांच दस पंद्रह बीस और पच्चीस ये है पांच के फैक्टर्स पांच दस पंद्रह बीस और पच्चीस आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को ये पता होगा इजोती वाली ट्रिक तो अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं पता है तो ये देख लीजिए कि कभी भी आपको एक से छब्बीस तक का पता है अल्फाबेट्स होते हैं एक से पच्चीस तक एक से छबीस तक में पांच बार पांच के मल्टीपल्स आते हैं पांच दस पंद्रह बीस और पच्चीस ये प्लेस वैल्यू पे क्या आता है E J जो टी E J O T Y ठीक है दिस इज समथिंग विच यू विल हैव टू रिमेंबर अच्छा एक और चीज कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट है ना जो सोच रहा है कि मैम इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा क्या तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर अभी आप अच्छे से पढ़ लीजिए आई एम डेड श्योर कि आपको सेशन खत्म होने से पहले याद हो जाएगा बट इन स्टिल इन केस यू वॉन्ट टू रिवाइज तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर तो आ जाता है हमारा इजोती e पांच दस पंद्रह बीस और पच्चीस ठीक है ये चीज हमें क्लियर हो गई अब आप एक चीज सोचो कि आपको ई e की प्लेस वैल्यू पता है कि पांच होती है ए से डी तक तो पता ही था ठीक है तो हमें क्या पता चल गया यार ई e की प्लेस वैल्यू पांच होती है तो इसके आगे एक आगे एक पीछे वाला हमें पता चल जाता है एक आगे एक पीछे वाला पता चल जाता है क्योंकि इतना तो हर इंसान दिमाग लगा लेता है यार अच्छा वाई अगर पच्चीस पे है इजोति में y पच्चीस पे है मतलब x हमारा ट्वेंटी फोर पे हो जाएगा ये चीज इंसान तुरंत कैलकुलेट कर लेता है ठीक है ये चीज हो गया हमारा इजोती जो कि आपको याद रखना है पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस ये अगर आपने याद रख लिया और बाकी कोई भी ट्रिक नहीं याद है ना तो भी आप पांच पांच के डिफरेंस मतलब चार के डिफरेंस पे ये चार का डिफरेंस है फिर चार का फिर चार का फिर चार का एंड देन लास्ट में एक है इजोती भी अगर आपको याद है ना तो भी आप बहुत ईजिली सारे एल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू देख लोगे लेकिन हमें सब कुछ याद करना है तो बढ़ते हैं आइए अगली ट्रिक पे अब हमने देखा ए से डी तक पता था चार होते हैं फिर आता है हमारा ई इजोती का ई ई होता है पांचवे पोजीशन पे फिर आता है एफ एफ कौन सी पोजीशन पे होगा पहली चीज तो आप एक चीज तो इस तरीके से याद करते हो इजोती में अगर ई पांच पे है तो छ पे क्या होगा छठवी पोजीशन पे एफ होगा एक तो आप ये याद कर सकते हो लेकिन अगर एकदम से सवाल आ गया तो आप कैसे याद करोगे एफ से क्या होता है एफ से होता है फिक्स और फिक्स आप क्या करते हो आपने देखा होगा अक्सर ही मैच फिक्सिंग याद आती है मैच फिक्सिंग याद आती है मैच यानी कि क्रिकेट क्रिकेट में अगर आप फिक्स कर रहे हो तो मतलब क्रिकेट फिक्स मतलब सिक्स क्रिकेट में फिक्सिंग हो रही है ठीक है और क्रिकेट में ही चौके छक्के पड़ते हैं तो फिक्स कहीं ना कहीं से सिक्स की तरह लग रहा है और इसीलिए जो एफ है हमारा उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है सिक्स ठीक है एफ फॉर फिक्स फिक्स होता है क्रिकेट और क्रिकेट में पढ़ते हैं छक्के इसीलिए हो जाती है एफ की वैल्यू सिक्स ठीक अब आते हैं अगले पे अब आता है जी ए बी सी डी ई तक देख लिया अब आ जाएगा जी अब आप एक चीज देखो जी सेवन नेशन तो सभी ने सुना है अगर नहीं सुना है तो आप सभी की शिकायत मैं अमन सर से करने वाली हूं यहां पे कि सर आप इतनी मेहनत से करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं आप इतनी मेहनत से जीएस पढ़ाते हैं उसके बाद भी आपके स्टूडेंट्स को जी सेवन नहीं पता जी सेवन नेशंस होते हैं तो जी सेवन नेशंस मतलब जी की प्लेस वैल्यू क्या हो गई सेवन एक और तरीका है याद करने का जी आप देखो जी ऐसे बनता है ना बस एक लाइन और नीचे खींच दो क्या आ गया जी की प्लेस वैल्यू सेवन आ गई दिख रहा है ना आपको जी में खुद ही सेवन बनता है तो जी की प्लेस वैल्यू हो गई हमारी सेवन और दूसरा तरीका है जी सेवन नेशंस अब आता है हमारा एच एच कैसे बनता है एच बनता है ऐसे एक लाइन ऊपर जोड़ दो एक लाइन नीचे जोड़ दो क्या बन गया एट बन गया तो एच की प्लेस वैल्यू क्या हो गई हमारी एट हो गई ठीक एच की प्लेस वैल्यू हो गई एट फिर आता है आई आई को अगर आप कर्सिव लेटर में लिखो ठीक है इंडिया क्या लिखा आपने कर्सिव राइटिंग में लिखा ना कर्सिव राइटिंग में अगर आपने आई को लिखा है तो कैसे लिखोगे इंडिया सपोज हमें लिखना है तो आई किस तरीके से हो गया नाइन हो गया अगर आप कोई भी वर्ड वर्ड पे भी कोई कर्सिव वाला फॉन्ट चूज करो या फिर आपने बचपन में कर्सिव राइटिंग अगर करी होगी जो पतली सी किताब आती थी हॉलीडे होमवर्क में मिलती थी करने को कि इसमें डेली एक पन्ना करना है तो उस वाली किताब में भी आपने देखा होगा कि आई को कर्सिव में कैसे लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं और ये क्या लग रहा है देख के तो समझ में आ रहा है ना कि लग तो ये नाइन रहा है तो क्या हो गया हमारी आई की प्लेस वैल्यू आई की प्लेस वैल्यू हो गई हमारी नाइन ठीक है अब आते हैं जे पे ठीक है इजोति में आपने जे ऑलरेडी कैप्चर कर लिया जे टेंथ पोजीशन पे है बात खत्म फिर आता है के के आपको पता होगा क्रिकेट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए किंग्स इलेवन पंजाब नाम की एक टीम है क्रिकेट में प्रीति जिंटा जिसकी ओनर है तो के फॉर किंग और किंग्स इलेवन पंजाब तो किंग्स की सॉरी के की जो हमारी प्लेस वैल्यू वो क्या हो गई इलेवन हो गई के की प्लेस वैल्यू ठीक है के की प्लेस वैल्यू हो गई हमारी इलेवन उसके बाद आते हैं एल पे ठीक है एल पे आते हैं तो सबसे पहली चीज एक देखिए दो ट्रिक है जिसमें से मुझे पता है कि दूसरी वाली ट्रिक से ज्यादा अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे तो पहली चीज तो होती है एल से मतलब क्या होता है लंच ठीक है लंच कई लोग सोके उठते हैं देर तक पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हैं ठीक है देर तक पढ़े आराम से अपना सो के उठे सुबह ग्यारह बजे तक अब ग्यारह बजे तक आप सुबह सो के उठे और ना तो वो आपका नाश्ते का टाइम है आप फ्रेशन अप होके आओगे ब्रश करके नहा धो के ठंड है तो फिलहाल कई लोग कम नहाएंगे लेकिन फिर भी आप नहा धो के अपना आओगे तो आप क्या करोगे लगभग बच जाएंगे बारह और बारह बजे आप कर लोगे अपना लंच भी एंड ब्रेकफास्ट भी तो वो हो गया आपका लंच ठीक है पहली चीज तो ये है दूसरी ट्रिक ये है कि भाई जब पढ़ते हो प्यार में तो बच जाते हैं बारह ठीक है एल से मतलब क्या हो गया लव ठीक है एल का मतलब हो गया लव एंड कई लोग कहते हैं ना भाई प्यार में तो हमारे बारह बज गए हमारी बैंड बज गई तो क्या हो गया एल से लव और लव में बच जाते हैं इंसान के बारह इसीलिए एल की जो प्लेस वैल्यू हो गई वो हो गई बारह क्लियर हो गया ये चीज ठीक है क्लियर हो गया प्रीति से कम नहीं है भैया ऐसे कंपेरिजन मत करिए जो उनके फैंस होंगे उनको बुरा लग जाएगा ठीक है चलिए एल से लव में बच जाते हैं बारह इसीलिए एल की प्लेस वैल्यू हो गई हमारी बारह अब ये बताइए अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है सब कुछ समझ में आ रहा है यस ओके okay, चलिए अब बढ़ते हैं एल के बाद क्या आता है हमारा आता है एम एक चीज याद रखिएगा पहली चीज तो आप ये देख लो कि मैंने आपको बताया था एक से छब्बीस तक होती है अल्फाबेटिकल सीरीज मैंने क्या बताया था तो बचपन से सभी लोग बता रहे हैं एक से छबीस ए टू जेड होता है आधा करोगे क्या आ जाएगा तेरह आएगा ना तेरह तेरह लेटर्स हो गए आधा करने पर जो मिडिल लेटर होता है आपका जो मिडिल लेटर होता है थर्टींथ लेटर होता है वो होता है एम तो एम की वैल्यू वैसे भी 13 आपको याद होनी चाहिए ठीक है एम की वैल्यू आपको तेरा याद होनी चाहिए लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं एक बहुत ही ज्यादा बेकार सी मूवी आई थी मैं तेरा हीरो ठीक है बहुत बेकार मूवी थी मैंने देखा बहुत बेकार मूवी थी कसम से बता रहे हैं, ऐसा लगा था कि टिकट ले लिए हैं जाके बैठ गए हैं हॉल में मन कर रहा था सर पकड़ लें और पीटे अपना सर कि क्यों हम ये मूवी देखने आ गए क्यों हम इतने बड़े ओवर एक्टर की मूवी देखने आ गए तो उसमें एक गाना था मैं तेरा हीरो ठीक है अब मैं तेरा हीरो है ना तो मैं और तेरा सिंपल सी बात है मैं का एम ले लीजिए तेरा तो तेरा है ही तो एम की वैल्यू क्या हो गई मैं तेरा हीरो हो गया ना एक गाना भी है शायद देसी बॉयज एक मूवी आई थी उसका गाना है मैं तेरा हीरो ठीक है जॉन इब्राहिम एंड अक्षय कुमार की तो वो अच्छी थी आई वॉज टॉकिंग अबाउट वरुण धवन वाली पिक्चर जो कि बहुत बेकार थी तो ये है एम थर्टीन ठीक है एक और तरीका है सिंपल सी बात है भाई टोटल लेटर्स हैं 26 एम लेटर एंड का भी स्टार्ट क्या होता है एम से एम मिडिल और मिडिल लेटर की वैल्यू हो जाएगी तेरा ठीक है ये मीडियम मतलब ये मिडिल हमारा आ एक और गाना है बिल्कुल गाने से अगर आप याद करना चाह रहे हो तो आप गाने से याद कर लो भैया इसमें तेरा घाटा है ना इसमें इसमें तेरा घाटा ठीक इसमें का एम और तेरा तो तेरा है ही इसमें तेरा घाटा अगर आप गाने याद करोगे ट्रिक्स याद करिए चलिए आता है फिर एन अब आप देखो एम आता है तेरा पे तो एन तो डेफिनेटली चौदह पे आएगा ही ना एन की प्लेस वैल्यू तो वैसे भी फोर्टीन ही हो जानी है लेकिन फिर भी अगर नहीं याद रहता है तो बच्चों अपना बचपना याद करो चौदह नवंबर को क्या होता है चौदह नवंबर को होता है चिल्ड्रंस डे ठीक है चिल्ड्रंस डे होता है बचपना तो फिलहाल चला गया बहुत पहले ही लेकिन आज तक बड़ा ही एक्साइटमेंट रहता है भाई फोर्टीन को चिल्ड्रंस डे होता है तो फोर्टीन नवंबर इज एन इंपॉर्टेंट डेट फॉर एवरी इंडियन ठीक है फोर्टीन नवंबर तो फोर्टीन और नवंबर का एन तो ये हो गया आपका फोर्टीन नवंबर दैट इज एन की प्लेस वैल्यू हो गई आपकी फोर्टीन ठीक है ठीक है एन की प्लेस वैल्यू हो गई आपकी फोर्टीन क्योंकि भैया चौदह नवंबर को मिलती थी हमें स्कूल में एक टॉफी बहुत अगर बढ़िया स्कूल है आपका कॉन्वेंट स्कूल या कुछ जैसे कि मेरा कॉन्वेंट स्कूल था तो वहां पे हम लोगों को कभी कभी चॉकलेट भी मिल जाती थी लेकिन छोटी वाली लेकिन चौदह नवंबर कुछ ना कुछ हर बच्चे को मिलता था वो बात अलग है सिर्फ स्कूल में मिलता था घर में नॉर्मली रूटीन रहता था लेकिन चौदह नवंबर बड़ा ही स्पेशल डे है हर स्टूडेंट के लिए आजकल के बच्चों जैसे नहीं हम लोग का बचपना ऐसे नहीं होता था कि मम्मी पापा ने कहा चिल्ड्रंस डे है तो लो भैया तुम फोन ले लो लो तुम ये ले लो लो तुम वो ले लो कुछ नहीं चिल्ड्रेंस डे एक टॉफी मिल गई काफी है तो फिलहाल फोर्टीन नवंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले पे अब आता है ओ पी आपने इजोती का ओ तो देखा था ठीक है इजोती में आपने ई जे ओ टी वाई देखा था पांच दस पंद्रह अब आपको ओ से पंद्रह याद है ओ से पंद्रह याद है तो पी में क्या होगा वैसे भी सोलह होगा ना वैसे भी सोलह होगा पी में सोलह हो जाएगा फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है आपको लग रहा है कि यार नहीं यार इसके लिए भी कोई बढ़िया सी ट्रिक चाहिए तो एक सिंपल सी बात समझो जब आप स्कूल से आते थे देर से ठीक है जब आप स्कूल से देर से आते थे या फिर आप स्कूल बंक कर लिया या फिर आप कोचिंग चले गए कोचिंग से वापस आए तो क्या होता था घर पर कुटाई होती थी अच्छे से कुटाई होती थी या फिर आप दिन भर से खाना नहीं खाए हो बहुत मम्मी को प्यार आ रहा है आपके ऊपर तो मम्मी क्या कहती थी बेटा आज तो हम तुमको पाँच छे रोटियां खिला के ही मानेंगे आज तो तुम दो रोटी में उठने नहीं देंगे तो आप क्या कहते थे ओ पापा ओ पापा मम्मी आज हमको पाँच छह रोटी खिला रही हैं लेकिन पाँच छह तो तब ना जब आप छोटे थे अब आप बड़े हो गए हो अब मम्मी को क्या लगेगा बेटा पाँच छे नहीं तुम पंद्रह सोलह रोटी खा लो क्योंकि मम्मी को हमेशा अपना बच्चा पतला लगता है हमेशा अपना बच्चा कमजोर लगता है ये पांच छे क्या करोगे आप पांच छे तो आपको पता है ना ई e और एफ है तो यहाँ पे पंद्रह सोलह लगा लो ठीक है पंद्रह सोलह लगा लीजिए बस हो गया आपका फिलहाल इजोति से भी आप याद कर सकते हो ओ पे अगर पंद्रह है तो पी पे सोलह होना ही होना है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे क्यू ठीक है आप देखो आ, एक अच्छा आपने वो देखी थी आप सभी ने बचपन में ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी होंगी हैंसल एंड ग्रेटल एक कहानी थी पढ़ी होगी या फिर उसकी मूवी मूवी भी आपने देखी हो शायद तो उसमें क्या था उसमें जो एक राक्षसनी थी एक विच थी वो बड़ी ही प्यारी सी सुंदर सी क्वीन बन के आती थी तो क्या है क्वीन से क्या था उन लोगों को खतरा था और खतरा कहीं ना कहीं राइम कर रहा है कि नहीं सतरा के साथ तो क्वीन से खतरा खतरा राइमिंग विद वि क्यू की जो प्लेस वैल्यू है वो हो गई आपकी सत्रह फिर भी नहीं याद होता है तो देख लीजिए भाई आपने G7 सेवन नेशन देखा था ना G में सेवन आ रहा था उसी तरीके से Q में भी तो कहीं ना कहीं कुछ आ रहा है Q में भी तो सेवन आ रहा है लेकिन G में ऑलरेडी सेवन था तो Q में क्या हो जाएगा सेवनटीन हो जाएगा तो Q की प्लेस वैल्यू हो गई आपकी सेवनटीन ठीक है Q की प्लेस वैल्यू हो गई आपकी सेवनटीन ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे सॉरी uh, अगले uh, लेटर पे अब आता है आर ठीक है आर आता है क्यू के बाद आ जाता है आपका आर और आर में आप देखो राइट टू वोट या फिर कोई भी राइट आप ले लो क्या कहते थे मम्मी पापा बेटा जब यूनिवर्सिटी जाना ना तब ये करना बेटा अभी स्कूल में हो अभी पढ़ाई कर लो जब ग्रेजुएशन हो जाए तब ये करना बड़े हो जाओगे तब ये करना तो बड़ा एक्चुअली में गवर्नमेंट कब आपको मानती है कि हां आप बड़े हो चुके हो जब आप बन जाते हो मेजर जब आप नहीं रहते हो माइनर और गवर्नमेंट के हिसाब से जब आप बड़े कब होते हो अठारह साल की उम्र में राइट टू वोट भी आपको अट्ठारह साल की उम्र में मिलता है तो सिंपल सी बात है आर यानी कि अट्ठारह फिर भी अगर आपको नहीं याद होता है तो सोचो ना अट्ठा क्या आ रहा है बीच में किस पे फोकस हो रहा है अट्ठा पे तो राह पे फोकस हो रहा है तो रा मतलब आर और आर की प्लेस वैल्यू क्या हो गई आपकी आर की प्लेस वैल्यू हो गई आपकी एटीन इज दैट क्लियर ठीक है थ्री हंड्रेड वॉचिंग बट लाइक ओनली हंड्रेड तो बाकी क्यों लाइक कर रहे हैं अच्छा भैया लाइक कर दीजिए प्लीज इनकी रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट मेरी नहीं है इनकी है प्लीज इनकी रिक्वेस्ट मान लीजिए चलिए अब आपका हो गया आर ठीक है आपको पता है इजोती में टी आता है ट्वेंटी पे तो जो एस होगा और यू होगा वो क्या हो जाएगा उन्नीस और इक्कीस पे हो जाएगा ना सिंपल सी बात है उन्नीस और इक्कीस पे हो जाएगा फिर भी नहीं याद रहता आप देखिए ये एस है ठीक है ऐसे कई बार लोग ऐसे भी एस लिख देते हैं वो तो हो जाता है हमारा स्मॉल लेटर वाला लेकिन अगर आप कैपिटल में लिखो तो ये होता है आपका कैपिटल लेटर का एस आप हल्की सी बस एक लाइन जोड़ दो एक लाइन एक लाइन जोड़ने पर क्या आ गया ये नाइन बन गया नाइन बन गया लेकिन नाइन तो बहुत कम हो गया एस तो हमारा कहीं ना कहीं सीरीज के बाद में आता है तो ये नाइन नहीं क्या हो जाएगा नाइनटीन हो जाएगा उन्नीस उन्नीस मतलब क्या आ रहा है एस से एंड हो रहा है उन्नीस एस पे फोकस कर रहे हैं हम लोग उन्नीस यानी कि एस ठीक है एस में चाहे आप एक ये डंडी मिला दो नौ हो जाएगा फिर एक डंडी मिला दो उन्नीस हो जाएगा या तो ज्योति से याद रख लो या तो ऐसे याद रख लो तीन तरीके बता दिए अब तीनों में से कोई भी याद कर लो लेकिन याद कर लो भैया बहुत जरूरी है ये याद करना ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अगले पे ज्योति टी में ट्वेंटी आता है फिर भी नहीं याद रहता है तो याद रख लो भाई टी ट्वेंटी मैचेज होते हैं मैंने कहा था क्रिकेट बहुत जरूरी है टी ट्वेंटी मैचेस होते हैं टी ट्वेंटी यानी कि टी ट्वेंटी क्रिकेट की वैल्यू हो गई टी की वैल्यू हो गई ट्वेंटी ठीक है रिवर्स भी बताएंगे बिल्कुल रिवर्स भी बताएंगे जी चलिए अब आ जाता है यूवी पे तो आपने देखा जैसे कि मैंने आपको बताया इजोती में टी की हो जाती है बीस ठीक है यू आएगा इक्कीस हो जाएगा ठीक है यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी इक्कीस अब आप सिंपल सी बात है यू की वैल्यू तो इक्कीस इससे भी निकाल सकते हो U की वैल्यू 21 लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको फिर पता क्या नहीं है ये तो आपने U की वैल्यू 21 निकाल ली फिर भी एक दूसरी ट्रिक है कि भाई यूथ जो है वो जो एक्चुअली में यूथ एज होती है वो 18 पे नहीं आती 18 में आप क्या कर रहे होते हो ग्रेजुएशन कर रहे हैं क्योंकि बिना ग्रेजुएशन के तो सरकारी नौकरी भी नहीं मिलनी है आपको कोई नौकरी आपको बिना ग्रेजुएशन के मिलनी नहीं है एक्सेप्ट फॉर सी एच एस एल लेकिन अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है इक्कीस साल में लगभग हर बंदा ग्रेजुएशन कर चुका होता है तब चालू होता है उसका असली यूथ ठीक है तब उसका असली यूथ चालू होता है तो यूथ कब से चालू होता है इक्कीस साल की उम्र से तो यूथ ठीक है यूथ को हम लोग वाई से स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन जो मैसेज की लैंग्वेज अगर देखो तो जैसे गुड मॉर्निंग देखो या फिर एच बी डी आप देख लेते हो हैप्पी बर्थडे तो यूथ यू टी एच भी कर सकते हो आप यूथ को जो कि हो जाता है इक्कीस ठीक है यू टी एच यानी कि यूथ जो हो गया इक्कीस और यू अगर इक्कीस है तो वी तो वैसे भी बाईस पे आना है क्योंकि यू वी रेस हम जानते हैं यूवी वी रेस जानते हैं या फिर युवराज सिंह को देख लो यूवी यूवी कहते हैं सब लोग यूवी आपको पता है अगल बगल आता है यू अगर इक्कीस है तो वी क्या हो जाएगा बाईस हो जाएगा फिर आते हैं आते हैं W और X पे ठीक है W आप देख रहे हो ये है आपका W. W को आपने क्या देखा हल्का सा क्या कर दिया हल्का सा तिरछा कर दिया ये है W. ये देखो है सीधा W. इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया क्या आ गया तीन आ गया और कहा आता है सीरीज के एंड में आता है तो ये क्या हो गया ट्वेंटी थ्री हो गया W. फिर आ जाता है एक्स ठीक है एक्स कितने उससे बना है एक दो तीन चार चार लाइन से बना है तो x की चार हो गया यहां पे चार लाइन से बना है और क्योंकि सीरीज के एंड में आता है तो ये हो गया आपका ट्वेंटी फोर तो यहां पे हो गया आपका ट्वेंटी फोर एक्स की प्लेस वैल्यू ठीक है जी और अगर एक और तारी मैं आपको बता दूं कि युवराज सिंह जो है ना उन्होंने क्रिकेट खेलना वही लगभग 21-22 साल की एज में स्टार्ट किया था तो 21-22 हम बोलते हैं ना 21-22 की एज में तो यू वी इक्कीस ठीक है तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं आप डब्ल्यू एक्स हो गया ज्योति का वाई हमें पता ही था कि 25 पे है और भैया ये तो जग जाहिर है कि ए टू जेड एक से 26 ए की वैल्यू 1 जेड की वैल्यू 26 तो लास्ट लेटर हो जाता है आपका जेड जिसकी वैल्यू हो जाती है 26 क्लियर हो गया सभी को क्लियर हो गया कि नहीं ये बता दीजिए लेट हो गया कोई बात नहीं आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिएगा लेकिन वीडियो जरूर देखिएगा चलिए अगर ये क्लियर हो गया है सभी को अगर ये क्लियर हो गया है सभी को तो जल्दी से एक बार लाइक बटन को दबा दीजिए लाइक कर दीजिए वीडियो को और स्टार्ट करते हैं इन्हीं ट्रिक्स पे बेस्ड ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है इन्हीं तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे करते हैं ऑपोजिट्स भी देखेंगे लेकिन पहले हम देखेंगे कि इन्हीं ट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं और सभी को समझ में आ गया तो कॉमेंट में जल्दी जल्दी से लिख दीजिए येस मैम येस मैम ये मैम येस मैम समझ में आ गया बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा फ्रूट की वैल्यू अगर 74 है तो हेल्थ की वैल्यू क्या होगी जल्दी जल्दी से बताइए क्वेश्चंस भी होंगे भैया ट्रिक्स सिर्फ नहीं होगी समझे सिर्फ ट्रिक्स नहीं होगी क्वेश्चंस भी होंगे जल्दी से क्वेश्चन देखिए ना आंसर करिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिए आप कमेंट हां मतलब यस yes, हाँ वैस yes, कमेंट yes, कर दीजिए लेकिन बाकी क्वेश्चन करिए चलिए चलिए जल्दी फ्रूट की वैल्यू गिवन है फ्रूट की वैल्यू गिवन है जल्दी जल्दी क्वेश्चन करके आंसर दीजिए भाई चलिए सभी को समझ में आ गया कि यहां पे क्या पूछा गया है फ्रूट की वैल्यू दी गई थी सेवेंटी फोर ठीक है एफ आर यू आई टी की वैल्यू क्या दी गई थी सेवेंटी फोर तो एक बार क्या करते हैं चलिए इनकी प्लेस वैल्यू पर रख के देख लेते हैं एफ की प्लेस वैल्यू सिक्स आर की प्लेस वैल्यू ठीक है यू की प्लेस वैल्यू इक्कीस यूथ था ना इक्कीस इक्कीस साल में यूथ आता है आई को हम लोग alpha, हम लोग अगर इटालिक्स uh, में लिखते हैं तो नाइन की तरह होता है और इजोती में टी तो ट्वेंटी पे आता ही है या फिर टी ट्वेंटी मैचेस एड करके देख लीजिए क्या आ रहा है इक्कीस नौ तीस तीस और बीस पचास ठीक है पचास और ये अट्ठारह सिक्सटी एट और सिक्सटी एट और सिक्स क्या हो गया आपका सेवेंटी फोर हो गया सेवेंटी फोर हो गया तो क्या किया यहां पे प्लेस वैल्यूज़ का सम किया अगर प्लेस वैल्यू का सम करने पर हमें मिल गया है यहां पे फ्रूट तो हेल्थ की भी प्लेस वैल्यू का सम कर लीजिए हेल्थ की प्लेस वैल्यू का सम कैसे करेंगे आप एच ई एल टी एच आठ एच एट होता है ना ऊपर नीचे मिला दीजिए तो आठ हो जाएगा ठीक है फिर उसके बाद लास्ट में भी आठ है तो यहाँ पे भी आठ हो गया टी होता है टी ट्वेंटी लव एल से लव जिसमें बच जाते हैं A से एक तो होता ही है है और E हो जाता है आपका पांच ऐड कर दीजिए आठ पांच एक बारह बीस आठ ऐड कर दीजिए जल्दी से आपको मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब क्लियर हो गया यस yes, फिफ्टी हो गया आपका सही आंसर आठ पांच तेरह तेरह और बारह पच्चीस पच्चीस और बीस फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव एंड एट हो गया आपका फिफ्टी थ्री एंड फिफ्टी थ्री एंड वन हो गया आपका फिफ्टी फोर ठीक है फिफ्टी फोर हो गया आपका आ, ये सही आंसर चलिए अभी आते हैं अगले सवाल पे अगला सवाल देखिए पांच सेकेंड का सवाल है पांच सेकेंड सिर्फ उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं दे रही हूं मैं आपको जल्दी जल्दी से याद कर लीजिए और ये ट्रिक्स रिवाइज करते रहिएगा पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल को अपने ले जी आर पर देख लीजिए डाउनलोड कर लीजिए रिवाइज करिए जितनी मर्जी चाहिए रिवाइज करिए लेकिन एग्जाम से पहले बिल्कुल इसको रट चट के घोल के पी जाइए क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होता है कोडिंग डिकोडिंग लेटर एंडलॉगी इन दो में तो जरूर यूज होता है आपका बाकी और भी टॉपिक्स में आपका यूज हो सकता है लेटर्स की प्लेस वैल्यू वैल्यूज डू रिमेंबर इट आ जाते हैं हम लोग इस पे देखिए सम तो यहां पे हो नहीं रहा है क्योंकि होल की तो गिवेन है वैल्यू इतनी बड़ी इतनी बड़ी गिवेन है, मतलब सिंपल सी बात है ना यार एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है आठ ओ की प्लेस वैल्यू होती है पंद्रह एल की प्लेस वैल्यू होती है बारह क्योंकि लव में बचते हैं बारह ई e की प्लेस वैल्यू हो जाएगी आपकी पांच तो ट्रू की प्लेस वैल्यू क्या होगी टी ट्वेंटी आर राइट टू वोट अट्ठारह अंडर सॉरी यू होता है आपका यूथ इक्कीस ई e होता है आपका पांच बीस अट्ठारह इक्कीस पांच ठीक है बीस अठारह इक्कीस पांच देख लो कहा गिवन है यहाँ बीस उन्नीस है बीस अट्ठारह इक्कीस पांच गिवन है ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आंसर सही हो गया सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सभी का अब देख लो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो आप लोग ये चीज जो मैंने आप लोग को कराई है ना आप सभी लोग इसको बहुत बढ़िया से पढ़ के आएंगे क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा वो होगा लेटर एनोलॉगी का और लेटर एनोलॉगी में आई डोंट वॉन्ट एनी स्टूडेंट की वो ये चीज बोले कि मैम मुझे तो लेटर्स का प्लेस वैल्यू पता ही नहीं है ऐसा नहीं करना है ना आपको चलिए नहीं करना है तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल देखिए ट्रंक की वैल्यू गिवन है ये तो ग्रैंड की वैल्यू क्या होगी अगर ट्रंक की वैल्यू ये गिवन है तो ग्रांड की वैल्यू क्या होगी जल्दी जल्दी बताइए क्विकली एवरी वन साइड हो गई हूं अच्छे से बढ़िया से देख लीजिए आंसर करिए <clears throat> आज तो गजब हो गया महेश जी गजब हो गया है तो थैंक यू सो मच चलिए चलिए बढ़िया बहुत बढ़िया सभी लोग आंसर करने लगे हैं नहीं भी आंसर आ रहा है तो देख लो भाई पंद्रह सेकंड का सवाल है उससे ऊपर का तो एक सेकंड का सवाल नहीं है चलो आज देखते हैं ये था गिवन ट्रंक, ट्रंक ठीक है इसका आपने देखा कोड क्या गिवन था दो नौ तीन पांच दो अब यार हमें क्या समझ में आया यार टी का कोड टू गिवन है क्यों हम लोगों ने देखा आर का कोड नाइन की तो हमारी आई की प्लेस वैल्यू होती है तो समझ में कुछ आया नहीं खास क्यों नहीं समझ में आया क्योंकि हम लोगों ने प्लेस वैल्यू को देखा आप अगर प्लेस वैल्यू को थोड़ा सा गहराई में जाके देखिए तो टी की प्लेस वैल्यू होती है बीस आर की प्लेस वैल्यू होती है अट्ठारह यू की प्लेस वैल्यू होती है इक्कीस एम की होती है मैं तेरा हीरो ठीक है मैं तेरा एम थर्टीन तो एन क्या हो जाएगा फोर्टीन और के तो सबको पता ही है किंग्स इलेवन पंजाब अब आप देखो टी की प्लेस वैल्यू बीस यहाँ पे हर लेटर की प्लेस वैल्यू गिवन है सिंगल डिजिट में और एक्चुअल में हर लेटर की प्लेस वैल्यू क्या है डबल डिजिट्स में तो जो डिजिट्स है ना उनको कर दिया गया है डिजिट्स को एड कर दिया गया टू प्लस जीरो टू वन प्लस एट नाइन यू में टू प्लस वन थ्री एन का वन प्लस फोर फाइव एंड के का वन प्लस वन टू तो ये आ गई आपकी ट्रंक की वैल्यू ये क्लियर हो गया ट्रंक की वैल्यू क्लियर हो गई अब अगर हमें ट्रंक की वैल्यू पता ही चल गई है जब तो हम क्या करेंगे यही सेम लॉजिक तो वैल्यू होती है सेवन आर की वैल्यू होती है अठारह ए की वैल्यू होती है वन एन की वैल्यू फिर से होती है हमारी फोर्टीन डी की वैल्यू होती है फोर सेवन से स्टार्ट होगा आपका आंसर फोर पे एंड होगा केंड लास्ट आ जाएगा आपका नाइन सेवन नाइन फोर आप देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन में है सेवन एट है यहाँ पे सेवन एट है यहाँ पे सेवन नाइन फोर सेवन नाइन फोर ठीक है ए आ गया आपका वन सेवन नाइन वन ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका सही आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका सही आंसर अच्छा प्लीज रिपीट ओके आई विल रिपीट वंस ग्रैंड आप देखिए लेटर्स की प्लेस वैल्यू जी की प्लेस वैल्यू सेवन थी आर की प्लेस वैल्यू होती है अट्ठारह लेकिन यहां पे आपने देखा टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है ट्वेंटी ठीक है लेकिन यहां पे उसका लेटर का कोड क्या गिवन है टू क्योंकि जो ट्वेंटी है इसके जो डिजिट्स को कर दिया गया है एड आर का लेटर आर की प्लेस वैल्यू होती है हमारी अट्ठारह जो इसके डिजिट्स हैं टू सॉरी वन प्लस एट इनको करके ऐड कर दिया गया था तो आ गया नाइन यू का होता है इक्कीस टू प्लस वन दैट इज थ्री एन का होता है फोर्टीन वन प्लस फोर दैट इज फाइव एंड के का होता है किंग्स इलेवन वन वन दैट इज टू तो इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो गया ऑप्शन नंबर डी सही आंसर सभी का आ गया सही आंसर तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे तुरंत तेजी से आते हैं आप देख लीजिए ये सवाल और आंसर करिए जल्दी से आंसर करिए आर और एन से भी सॉल्व कर सकते हैं आपको देखिए आंसर आपका सही आना चाहिए जिस तरीके से भी आप सॉल्व कर रहे हो उस तरीके से आंसर आना चाहिए हमारा बिल्कुल सही ठीक है बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए हमारा तो जल्दी जल्दी देखिए सॉल्व करिए भैया आंसर करिए सवाल का इतना बेहतरीन सवाल हूं ना मैं आप सभी के लिए क्विकली गाइस, जल्दी जल्दी आंसर करिए रिलेटेड -E है डी से जेई किससे रिलेटेड होगा अगर टीई रिलेटेड -E है डी से तो जेई -E किस किससे रिलेटेड होगा जल्दी जल्दी बताना है बी 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 चलिए यहां पे जितने भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन सब का सारे क्वेश्चंस का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया मैंने लॉजिक दिया आपको सारे क्वेश्चंस का तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका लॉजिक आप सब देंगे एंड आई विल सी कि किसका लॉजिक एकदम बेहतरीन बैठा है किसका एकदम जो तुक्का लगाया या फिर जिसने अपना दिमाग लगाया लॉजिक लगाया किसका लॉजिक बैठा है एकदम बेहतरीन तरीके से और आया है आपका सही आंसर लॉजिक लॉजिक बी सही आंसर है मैंने बता दिया ठीक चलिए सब लोग बोल रहे हैं ना बी सही आंसर तो मैं खुद बता दे रही हूं कि ठीक है बी सही आंसर है अब आप सब लोग बताओ लॉजिक 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 बी सही आंसर नहीं लॉजिक बताइए सभी लोग बी 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 भैया लॉजिक बता दो है ना सबको लॉजिक बताना है जितने भी स्टूडेंट्स यहां बैठे हैं सब लोग लॉजिक बताओगे आप लोग एवरी इज गोइंग टू टेल लॉजिक फॉर दिस क्वेश्चन वेरी गुड वेरी गुड ग्रेट मतलब सीरियसली आई एम फीलिंग वेरी प्राउड राइट नाउ मतलब बहुत मुझे खुशी हो रही है चीज देख के कि आप में से सारे स्टूडेंट्स इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो आंसर करने में इतना अच्छे से इतनी टच वुड सीरियसली नजर ना लगे एट दिस पॉइंट आई वुड से इतना अच्छे से आंसर कर रहे हो सब लोग सही आंसर कर रहे हो मतलब सीरियसली इट्स वेरी गुड आपने देखा टी ई गिविन था सॉरी uh, पेन ठीक है ये गिवन था टी और ये गिवन था ई टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है बीस e की प्लेस वैल्यू क्या होती है पांच और इसका गिवन है इज मतलब ये किससे रिलेटेड है डी से डी की प्लेस वैल्यू होती है चार आपने क्या देखा जो टी की प्लेस वैल्यू को जब हम लोगों ने ई e की प्लेस वैल्यू से डिवाइड किया तो आ गई डी की प्लेस वैल्यू दैट इज फोर अब आप सेम चीज देख लीजिए जे इजोती में जे आता है टेंथ पे E की प्लेस वैल्यू होती है पांच ठीक है दस को पांच से डिवाइड करिए आ जाएगा टू टू किसकी प्लेस वैल्यू होती है बी की प्लेस वैल्यू होती है आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी ठीक है आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज बहुत अच्छा आप लोगों ने लॉजिक ढूंढा सही लॉजिक ढूंढा एंड बहुत सही टाइम में आंसर किया आई वुड से बहुत कम टाइम में आपने आंसर किया बस आपको क्या करना है यही कॉन्सेप्ट यही जो चीजें मैंने आपको कराई है इसको करना है ब्रशअप और इन्हीं कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करके आपको क्या करना है सारे के सारे क्वेश्चन का हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी से विद इन मिनिमम टाइम आंसर करना है तभी आप बाकी से कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ पाओगे ठीक है चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब देखिए सबको ये चीज समझ में आ गई थी ना तो एक चीज और देख लीजिए कि जो अल्फाबेट्स के संग संग आपको वॉवल्स की प्लेस वैल्यू वैसे जब आपने ए टू जेड याद कर लिया तो अलग से वॉवल्स की प्लेस वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी एक बार आई वुड डेफिनेटली से कि सिर्फ वॉवल्स की प्लेस वैल्यू देख लीजिए एक बार आप लोग फिर से ए आई ओ यू होते हैं आपके वॉवल्स ए हो गया वन ठीक है ई ज्योति से याद ही था पांच आई हमें पता था इंडिया की तरह बनता है कर्सिव में लिखोगे तो नाइन बनेगा ओ क्या होता है ज्योति से फिर से पता चल गया और यू होती है यूथ जो कि एज होती है हमारी की की तो वॉवल्स प्लेस वैल्यू मैं कह रही हूं क्योंकि एग्जाम में वॉवल्स की प्लेस वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में कई ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे जो कि वॉवल्स की प्लेस वैल्यू पे बेस्ड होंगे ठीक है चलिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एवरी मैम जस्ट वॉन्टेड टू नो वी हैव टू सॉल्व दी होल आंसर राइट दी करेक्ट आंसर ओके रोहित वेल द क्वेश्चन इज ओवर आई गेस तो अब आप कुछ भी मत करिए उससे रिलेटेड तो हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं अगले चीज की तरफ जो कि है आपका एक दूसरा क्वेश्चन ठीक है दूसरा क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन देखिए एंड आंसर करिए आंसर करिए जल्दी से फटाक से क्वेश्चन का आंसर करना है आप सभी को जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन का अच्छा ठीक है ये एक काम करिए एक काम करते हैं ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं आपका होमवर्क क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन करा लेते हैं नहीं तो फिर जो ऑपोजिट्स है ना ऑपोजिट्स नहीं याद कर पाएंगे ठीक है ऑपोजिट्स फिर मिस हो जाएंगे और दूसरी क्लास सिर्फ ऑपोजिट पे लेने का कोई मतलब नहीं है हम देखने जा रहे हैं हमें कंप्लीट करना है तो ये हो गया आपका होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आप करोगे टेलीग्राम पे ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अच्छा कोई नया स्टूडेंट है तो मैं उसको बता दूं कि डेली क्लास होती है हमारी साढ़े दस बजे टेन थर्टी ए एम पे क्लास स्टार्ट हो जाती है मेरे यानी स्वप्निल अग्रवाल के साथ रीजनिंग की क्लास कंप्लीट क्रैश कोर्स हम लोग कर रहे हैं लेटर एनोलॉजी की क्लास हमारी मंडे को होगी साढ़े पे तो सभी को जरूर आना है और कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जिसको लगता है कि यहाँ पे पीडीएफ नहीं मिलते हैं इस चैनल पर सिर्फ पढ़ा दिया जाता है तो एकदम गलत है भैया पीडीएफ मिलेंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्वप्निल अग्रवाल मेरा नाम है टेलीग्राम चैनल का नाम है स्वप्निल एजीआर स्वप्निल एजी आर तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग ऑपोजिट लेटर्स पे ऑपोजिट लेटर यानी कि विपरीत अक्षर ठीक है हमें पता है कि अल्फाबेटिकल सीरीज कहां से स्टार्ट होती है ए से स्टार्ट होकर जेड पे खत्म होती है तो देखो आप ये तो गिवन है जिसका पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है कि मैंने आपको ऐसे बता दिया ऐसे 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 कुछ नहीं भैया हमें क्या चाहिए हम हैं स्टूडेंट्स क्या हैं हम स्टूडेंट्स और हमें क्या चाहिए हमें चाहिए हर एक बढ़िया सी चीज के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक्स तो आपकी बढ़िया सी चीज के लिए बेहतरीन सी ट्रिक लाने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे तो आपके लिए लाए हैं ऑपोजिट लेटर्स को याद करने के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स ठीक है अब अगर ट्रिक की बात करें तो सबसे पहला जो आप लोगों को मैं ट्रिक बताऊंगी जो कि मैंने वहां पे भी बताई थी मैंने कहा था ना लव में होता है एल और लव में पढ़ने पर बच जाते हैं इंसान के बारह तो एल की प्लेस वैल्यू हो गई बारह तो अगर आपको इतना ही ज्यादा वो सब याद है अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए फिलहाल आ जाते हैं अगर लव पे ठीक है प्यार बहुत खूबसूरत चीज होती है दुनिया की जो कि इस समय आपको होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपने नौकरी से रिलेट अपने नौकरी से अपनी पढ़ाई से और अपने करियर से एल ओ वी ठीक है चार लेटर्स हैं एल का ऑपोजिट ओ वी का ऑपोजिट ई बस एक चीज याद रख लो आप प्यार है एल का ऑपोजिट ओ वी का ऑपोजिट ई बहुत सारे तरीके होते हैं याद करने के अलग अलग ए से जेड अलग बी से वाई अलग लेकिन एक चीज याद कर लीजिए यस लव है तो लव में एल का ऑपोजिट ओ वी का ऑपोजिट ई ठीक है फिर आते हैं अगली ट्रिक पे आप जब किसी से भी पहली बार मिलते हो ठीक है किसी से भी आप पहली बार मिले ठीक है लाइक like, रोहित है कोई लड़का ठीक है मैं रोहित को लेके गई अपने संग आपने कहा हेलो रोहित जी ठीक है आप जी करके उन्हें Uh, क्या कहते हैं uh, मतलब उनको उनकी इज्जत करते हैं जी करके ठीक है पापा जी मम्मी जी तो हम क्या करते हैं मिस्टर एक्स ठीक है मिस्टर मिस्टर एक्स जी जी वाई ठीक है मैं नाम यहाँ पे नहीं ले रही हूँ तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई तो सबको अगर इतनी ही इज्जत देते हो तो भैया एक ऐसी चीज जो बचाती है आपकी इज्जत जिसको आप पहनते हो जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो इतने सारे रुपए सब लोग करते हैं ना कपड़े खरीदते हैं सब लोग चाहे लड़के हो चाहे लड़की कपड़े खरीदते हैं चाहे शर्ट ले लो चाहे टी शर्ट ले लो तो सब कुछ जब इतना ही प्यार से आपको सबको इतनी इज्जत देनी है तो सब में जी लगाना है तो शर्ट में भी जी लगा ही दो शर्ट जी अगर आप लगा दोगे तो एस एच आई आर टी जी एस का ऑपोजिट एच आई का ऑपोजिट आर एंड टी का ऑपोजिट हो जाएगा आपका जी तो ये हो गए आपके कितने अल्फाबेट्स तैयार एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दस अल्फाबेट्स की ट्रिक्स आपको मिल गई है सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड्स में पहला वर्ड है लव दूसरा वर्ड है शर्ट जी ठीक है तो ये हो गए आपके दो वर्ड्स तो इनकी ट्रिक्स समझ में आ गई सभी को सभी को समझ में आ गई इनकी ट्रिक्स तो ठीक है सम, समझ में आ गया है तो अब बढ़ते हैं हम लोग ऐसी ट्रिक्स पे जो कि सबने पढ़ रखी होगी कभी ना कभी बस हम लोगों की काहिलियत है कि हम लोगों ने पढ़ा सब है लेकिन हमने याद कुछ नहीं किया हमें याद तो कुछ भी नहीं करना है हमें तो बस सब कुछ बना बनाया पका पकाया चाहिए तो आज आप पढ़ लीजिए याद कर लीजिए फिलहाल ये दो चीजें एल ओ वीई एस एच आई आर टी जी शर्ट जी एंड लव ठीक है चलिए अब आते हैं हम लोग यस ये भी एक ट्रिक होती है ऑफ लव बाय शर्ट जी लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है ना कोई सेंस नहीं है ट्रिक भी ऐसे याद करो भाई कि सेंस लगे है ना पता चला इंसान खुद तुम किसी को समझा दिए ट्रिक और वो तुमसे कह रहा है भाई इसका कोई सेंस है कोई लॉजिक है नहीं है ना तो ये ट्रिक ना ही समझाओ चलिए आते हैं हम लोग ए टू जेड की ट्रिक्स पे तो हमें क्या पता है कि सबसे पहले हमको बताया गया है बेटा तुम जब बचपन में हम लोग थे एकदम प्राइमरी स्कूल में छोटे छोटे किसी के यहाँ एल होता था किसी के यहाँ नर्सरी होता था किसी के यहाँ और भी कम से स्कूल स्टार्ट हो जाते थे तो क्या सबसे पहले बताया जाता था जब भी आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले बताया गया कि बेटा तुम्हें दो चीज़ें याद करनी होंगी पहली चीज़ तो ए से जेड याद कर लो दूसरा चीज़ एक से दस याद कर लो वन टू टेन एंड ए टू जेड ए टू जेड तो ए टू जेड हमें पता है ना ए का ऑपोजिट क्या हो गया जेड हो गया ए का ऑपोजिट ए का ऑपोजिट हो गया जेड ठीक है ए टू जेड दूसरा तरीका है आज़ाद लेकिन मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका है याद करने का तो ये ना कि भाई हम तो आज जा रहे हैं बढ़िया से चंगे बन के बढ़िया से खूब तैयारी करके आज तो हम ए टू जेड सारे क्वेश्चंस करके आएंगे आज तो हम ए टू जेड हर एक सवाल का जवाब दे आएंगे क्योंकि हमने पढ़ लिया है स्वप्निल मैम से ऑपोजिट्स एंड लेटर्स की प्लेस वैल्यू इसीलिए अब हमें लेटर एनोलॉगी के क्वेश्चन हो चाहे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो हर सवाल का हर सवाल ए टू जेड सारे सवाल का जवाब देके आएंगे ठीक है तो ये हो गया आपका ए टू जेड फिर आता है बाय बाय कर लीजिए या तो बॉय कर लीजिए ठीक है दोनों में से कुछ भी कर लीजिए बी का ऑपोजिट हो गया आपका वाई फिर सी का सी का क्या होता है क्रक्स क्रक्स हटा दो आप बचपन में क्या खाते थे क्रैक्स खाते थे अंदर मिलता था एक एक रुपए का शायद या दो रुपए का छोटा सा खिलौना और बहुत ही प्यारी प्यारी रिंग्स होती थी क्रैक्स की ठीक है वो अभी भी मिलता है, है। मार्केट में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स का टोमेटो एंड अलग अलग फ्लेवर्स का तो क्रैक्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्नैक्स था बचपन का इसीलिए क्रैक्स ना सी आर ए एक्स सी एंड एक्स फिर आता है डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू एक वॉच का बहुत ही फेमस ब्रांड है इट्स डेनियल वेलिंगटन अगर आप लोगों को पता हो तो डी डब्ल्यू याद करने की जरूरत ही नहीं है नहीं पता हो तो भैया सबने आज तक अपनी लाइफ में एक ना एक बार ड्यू तो पी होगी ना माउंटेन ड्यू सब लोग पीते हैं माउंटेन ड्यू जिसे कहते हैं नहीं ये ऋतिक रोशन बस ऐसे थार वाली जो गाड़ी होती है कुदा देते हैं और बोलते क्या है डर के आगे जीत है डर के आगे जीत नहीं है डर के आगे मौत है इसीलिए मत करना वो सारे एक्ट लेकिन ड्यू पी है ना तो डी का ऑपोजिट हो गया डी ई डब्ल्यू बाकी अगर वॉच की तरह याद करो तो डी डब्ल्यू इज डेनियल वेलिंगटन बहुत प्यारी वॉचेस होती हैं कभी जब कमाने माने लगना तो एक बार जाके खरीद लेना बहुत अच्छी वॉचेस होती हैं फिर आता है ई वी करने की जरूरत ही नहीं है इनमें तो लव पढ़ रखा है ना एल ओ वी ई ये याद करने की जरूरत नहीं है फिर भी नहीं अगर मन करता है आपका कि चलो हमें एक नया ट्रिक तो चाहिए तो हमने क्या बोला इवनिंग कर ले ना ई वी इवनिंग ठीक है या फिर न्यू ईयर ईव या फिर क्रिसमस ईव ई वी हो जाता नहीं है फिर आता है एफ यू फन ठीक फन हो गया फुल हो गया आपको क्या करना है एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो एफ का ऑपोजिट क्या हो गया यू ठीक है एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करने हैं ना रीजनिंग में जी डी डब्ल्यू दूध वाला भी होता है बिल्कुल बहुत सारी ट्रिक्स हैं बहुत सारी ट्रिक्स हैं दूध वाला भी आपके यहाँ आता है सभी के यहाँ आता है दूध वाला तो डी डब्ल्यू हो गया दूध वाला ठीक है अब आता है जी ठीक है जी पहली चीज है गाड़ी आती है बी जीटी उससे याद कर सकते हैं जी एक बहुत ही ज्यादा फेमस सीरीज है गेम्स गेम ऑफ गेम गेम थ्रोन्स ठीक है जिसको क्या बोलते हैं जी छोटा सा ओ और फिर टी छोटे वाले की कोई वैल्यू थोड़ी ना है। जी और टी सिंपल सी बात है जी बाकी जी टी रोड से भी याद कर सकते हो ग्रैंड ट्रंक रोड ठीक है एक ये आपका तरीका है जीटी रोड हो गया या फिर बीएमडब्ल्यू जीटी हो गया या फिर पोलो की भी जीटी आती है पोलो भी एक कार है जिसकी जीटी वर्जन आता है जीटी मतलब होता है स्पोर्ट्स वर्जन ठीक है तो जीटी हो गया आपका तो जीटी रोड हो गया गेम ऑफ थ्रोन्स करके आपने याद कर लिया या फिर आपने याद कर लिया ग्रैंड ट्रंक रोड से ठीक है फिर आता है आपका अगला फिर आता है एस एच एच एस एस एच कुछ भी बोल दो हाई स्कूल सबने पढ़ा है ना सब ने हाई स्कूल पढ़ा है यहाँ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग तो हाई स्कूल तो सभी ने पढ़ रखा होगा हाई स्कूल पढ़ा है एच एस हाई स्कूल सिंपल सी बात है वैसे तो मैंने आपको एक और ट्रिक बता ही दी है शर्ट जी तो दस तो आपके एस एच तो वहीं से प्रिपेयर हो गया फिर आपका आता है आई आर तो आई आर भी आपका वहीं से प्रिपेयर हो गया इंडियन रेलवे भी याद कर सकते हो अदरवाइज शर्ट जी याद है तो एस एच आई आर एंड टी जी ठीक है तो वो तो आपको याद ही हो गया फिर आता है जे क्यू अब आता है जे क्यू यानी कि बहुत ही ज्यादा सुंदर बहुत ही ज्यादा प्यारी दिखने वाली हीरोइन का नाम दैट इज जैकलीन ठीक है जैकलीन सबने देखा है जैकलीन फर्नांडिस को बहुत प्यारी लगती हैं बहुत सुंदर लगती हैं तो इनका नाम हो गया जैकलीन जे ए सी क्वीलीन ठीक है या फिर जे क्यू से आप याद कर सकते हैं जंगल क्वीन ठीक है जंगलों की रानी जंगल क्वीन जे क्यू ठीक है ये हो गया आपका जे क्यू फिर आता है केपी भाई आता है केपी यानी कि कानपुर ठीक है कानपुर मेरे शहर लखनऊ से बहुत ही पास में है अक्सर ही आना जाना हो जाता है कानपुर तो ये आ जाता है आपका कानपुर और कानपुर यह तो बहुत मस्त होते हैं आप में से ये बता दो कमेंट सेक्शन में क्या कोई है यहाँ पे जो कानपुर से है जल्दी से बता दीजिए कोई है यहाँ पे जो कानपुर से है केपी यानी कि कानपुर से कोई है यहाँ पे जी के पी बहुत है भैया केविन पीटरसन है कानपुर है आपका भैया कमला पसंद है कानपुरिया तो वैसे भी बहुत मसाला खाते हैं ना कानपुरिया है कं, कमला पसंद है आपका कानपुर है कुर्ता पजामा भैया कानपुर छोड़ दीजिए आप कमला पसंद छोड़ दीजिए जिंदगी में एक ना एक बार हर इंसान ने कुर्ता पजामा पहना होगा के पी हमेशा साथ में आता है कुर्ता पजामा के पी ठीक है तो के का ऑपोजिट क्या हो गया पी जिसको आप याद कर सकते हैं कुर्ता पजामा से भी कानपुर से भी एंड कमला पसंद से भी ठीक है फिर आता है आपका एल ओ बता चुकी हूं मैं एल ओ वी ई लव एल का ऑपोजिट ओ वी का ऑपोजिट ई कपिल शर्मा शो के पी से तो कपिल शर्मा शो हो गया ना के एस फिर कहीं ना कहीं उससे याद आ जाएगा तो दैट्स नॉट दैट्स नॉट अ गुड ट्रिक ठीक है नो नो आई एम नॉट फ्रॉम कानपुर आई एम फ्रॉम लखनऊ कानपुर मेरे लखनऊ के बहुत पास ही में है ठीक है हाउ कैन वी फाइंड योर प्ले लिस्ट यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल पी एम बेहरा एंड आप उसके बाद वहां पे प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाकर यू कैन चेक फॉर माई प्ले लिस्ट यू कैन यूड यूल एबल टू फाइंड ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ माइंड इन दैट प्ले लिस्ट फिर आता है आपका एम एन मैन ठीक है मंजिल भी आता है मैन भी आता है एम बीच का लेटर है हमने हमेशा से याद कर रखा है बीच का लेटर है तो उसका नेक्स्ट लेटर उसका ऑपोजिट होगा ना तो एम का हो जाएगा ऑपोजिट एन ठीक है तो ये हो गया हमारा ऑपोजिट याद करने की ट्रिक्स जैसे कि मैंने आपको बताया था अब इससे इस ट्रिक से रिलेटेड भी मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे हैं इस ट्रिक से रिलेटेड भी लेकिन वो क्वेश्चंस आपको यहां पे नहीं मिलेंगे वो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कहां पे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो कि होगा आपका होमवर्क मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्वप्निल एजीआर आर ठीक है दिस इज द नेम ऑफ माई टेलीग्राम चैनल अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक इसको नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए ठीक है सबने मिर्जापुर देखा है उसमें डायलॉग है ना हमका ज्वाइन कर लो वही चीज़ है ज्वाइन कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल को सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे सारी क्लासेस की लिंक भी मिल जाएंगी सारे क्लासेस का रिमाइंडर भी मिल जाएगा आपको एंड सबसे बड़ी चीज आपको डेली फ्री में साढ़े तीन बजे मिल जाएगा क्विज भी साढ़े तीन पी पर मैंने कल ए एम लिख दिया था ठीक है तो लोगों को लग रहा था सुबह साढ़े दस बजे नहीं भैया सुबह साढ़े तीन बजे मैं नहीं आपको दे रही क्विज साढ़े तीन बजे आपको दोपहर में क्विज मिलना है दोनों के ही लिंक्स गिवन है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक गिवन है जिस चैनल पर आपको क्विज मिलेंगे उसका भी लिंक गिविन है सिर्फ क्या करना है मैं जानती हूं बहुत आलसी लोग हो आप लोग इसीलिए मैंने पहले ही टेलीग्राम के कुछ, दोनों ही चीजों के लिंक डलवा दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए वहां जाके आपने करना है दोनों ही लिंक्स पे क्लिक दोनों लिंक्स पे क्लिक करोगे ज्वाइन हो जाओगे हमका ज्वाइन कर लो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी एंड हमारे क्विज के चैनल पर भी ज्वाइन कर लीजिए फ्री में क्विज दीजिए साढ़े तीन बजे विदाउट एनी फीस बढ़िया बिंदास से दस क्वेश्चन का क्विज होता है डेली प्रैक्टिस करिए जितना हो पाए उतना तो प्रैक्टिस करिए बस आपका टारगेट सिर्फ एक होना चाहिए कि अगर आप लैब पर पढ़ने आए हो रीजनिंग तो लैब से रीजनिंग पढ़ने के बाद आपके एग्जाम का टारगेट होना चाहिए फिफ्टी ऑन फिफ्टी चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लो चाहे आप सीपीओ दे लो सीजीएल दे लो सी एच एस एल दे लो आपका टारगेट सिर्फ एक होना चाहिए कि हमें पचास में से पचास नंबर लाने हैं क्योंकि आप पढ़ के जा रहे हो मेरे साथ रीजनिंग ठीक है तो अगर सेशन बढ़िया लगा हो तो सब लोग जम के लाइक ठोकिएगा एक बार दो बार नहीं वरना डिसम पर स्वप्निल अग्रवाल के संग सेशन होगा आपका फ्री क्लासेस है सब लोग ज्वाइन करिए कंप्लीट क्रैश कोर्स है रीजनिंग का लेटर एनोलॉगी टॉपिक चल रहा है मंडे को होगी लेटर एनोलॉगी की दूसरी क्लास आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू बी देयर इन दैट क्लास बढ़िया लगा हो तो कॉमेंट जरूर करिएगा ब बाय टेक केयर सी यू गाइज वंस अगेन टुमारो ऑन मंडे एट टेन थर्टी ए एम शॉप थैंक यू सो मच एवरी वन एंड आई होप यू एंजॉयड दी सेशन थैंक यू